दोस्तों बहुत से लोग अक्सर जो है कस्टम यूआरएल के बारे में जो है जानकारियां सर्च किया करते हैं। लोगों के यूट्यूबर जो होते हैं उनके कमेंट बॉक्स में जा करके कई तरीके के इस तरीके के क्वेश्चन किया करते हैं कि जो है ये कस्टम यूआरएल होता क्या और किस तरीके से हमको ये मिल सकता है और कब मिलता है। तो आज आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, आपको इसी बारे में जो है फुल ट्यूटोरियल में देने वाला हूँ। और पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि कस्टम यूआरएल होता क्या है। तो मैं हूँ नंदन वाजपेयी, आप देख रहे हैं टेक फॉर नेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कस्टम यूआरएल क्या होता है, कब मिलता है। तो देखिए आपको याद रखना होगा कि कस्टम यूआरएल आपके चैनल पर अप्रॉक्स 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इसके भागीदार हो जाते हैं, इसको लाभान्वित आपको जो है मतलब ये हर तरीके से ये आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जो है 100 सब्सक्राइबर करने के बाद इसका एक अपना ही मज़ा होता है। आपका जो यूआरएल होता है यूट्यूब का जो एक मेन एड्रेस होता है वो कुछ अटपटा सा होता है। तो जब आप 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लेते हो और इसको अप्लाई कर लेते हो तो आपका मन चाहा चैनल का नाम ही ऊपर आपका जो है एड्रेस बार बन जाता है। तो ये एक विशेष अच्छी वजह होती है और किसी को शेयर करने में भी अच्छी मतलब अच्छा होता है, तो अच्छा आपको भी लगेगा जो है ए पर्टिकुलर आपका चैनल आसान हो जाता है ना, कि किसी को शेयर भी कर दिया आपने डायरेक्ट www.youtube.com/your-channel-name। तो इस तरीके से आप भेजोगे तो वो जल्दी सर्च कर पाएगा, अगर नहीं भी सर्च पे आता है तो इससे जल्दी आ जाता है। तो ये एक विशेष फ़ायदा है। दूसरी बात आपको बता दूँ कि ये कस्टम यूआरएल जो है साल में आप सिर्फ 3 बार ही ले सकते हो। यूट्यूब की गाइडलाइन में इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं और इसके पर्टिकुलर गाइडलाइन भी आप चेक कर सकते हो जा करके। वैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो आप देर ना करते हुए सीधे आपको ट्यूटोरियल की तरफ ले चलता हूँ और बताता हूँ कस्टम यूआरएल किस तरह से आप ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो आइए सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कैसे जो है आप कस्टम यूआरएल अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो कि मैं अपने लैपटॉप पर आपको लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूँ कस्टम यूआरएल के लिए, कि कस्टम यूआरएल जो होता है वो मतलब आप साल में जो है 3 बार ही उसको जो है चेंज कर सकते हो उसका नाम। और कोई भी मनचाहा जो आपका कस्टम यूआरएल है उसको साल में 3 बार, एक साल में उसको 3 बार ही चेंज कर सकते हो, ऐसा होता है सिस्टम। और चलिए मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ सीधे यूट्यूब पर। तो इस समय मैं भी साइन इन कर लेता हूँ यूट्यूब पर अपने, और जी देखिए ये मेरा चैनल आ गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले जो है अपने क्रिएटर स्टूडियो पर जाना होता है, और थोड़ा सा दोस्तों शोर हो रहा होगा, फ़ैन एक्चुअली चालू कर रखा है मैंने, गर्मी बहुत है तो उसकी नॉइस आएगी आपको। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि माइक थोड़ा सा अपने पास ही रखूँ जिससे आपको मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे। तो चलिए ये क्रिएटर स्टूडियो में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और अब दोस्तों अभी आपको देखना है, यहाँ पर मैं दो तरीके आपको बता देता हूँ यहाँ से। एक तो डायरेक्ट आपका ये बीटा वर्जन का डैशबोर्ड खुल करके आ गया है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप जो है यहाँ पर आपको आना है, सॉरी आपको आना है अपने चैनल के क्रिएटर हाँ क्लासिक वर्जन पर। तो क्लासिक पर आ जाइए आप। अब ये क्लासिक वर्जन यहाँ पर खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। चलिए क्लासिक खुल करके आ गया, ये क्लासिक का डैशबोर्ड है हमारे सामने। अब यहाँ चैनल पर आप आएंगे तो वो तो सभी आप सभी को मालूम है कि मोनेटाइज पर जो जब आपको चैनल पर आओगे तो स्टेटस एंड फीचर में जब आप आओगे तो इस तरीके से यहाँ पर इस डैशबोर्ड पर आ जाते हो आप, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये कस्टम यूआरएल। तो अब इस समय आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ यू हैव ऑलरेडी क्लेम्ड अ कस्टम यूआरएल।
तो मैंने एक्चुअली ऑलरेडी ये इनेबल कर रखा है अपना कस्टम यूआरएल, तो अगर आप लोगों को लेना है और आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं तो यहाँ पर क्लेम नाउ करके आएगा, क्लिक हेयर करके आएगा, यहाँ पर इस जगह पर आपको जो है एलिजिबल करके और इनेबल करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए ये मेरा जो है वो खुल करके आ गया चैनल, क्योंकि मैंने अपने कस्टम यूआरएल के जो है जो मैंने लगा रखा है टेक फॉरनेट, उस पर क्लिक किया मैंने। अभी मैं इसको हटा करके आपको दोबारा दिखाता हूँ, और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर ये देखिए एड्रेस बार में ऊपर देखिए youtube.com/c/techfornet मेरे चैनल का नाम यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से। तो ये है कस्टम यूआरएल। ठीक है, अब इसको सेट करने का आपको मैं एक तरीका बताता हूँ बढ़िया सा। यहाँ पर सेटिंग है आप देख सकते हो, और सेटिंग पे आपको आ जाना है। ठीक है, सेटिंग पे आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको दिखेगा ये एडवांस सेटिंग। ठीक है, तो ये एडवांस सेटिंग पे आपको आना होगा। अब देखिए एडवांस सेटिंग पे आने के बाद यहाँ आपको मिलेगा चैनल सेटिंग। तो चैनल सेटिंग पे इसमें दो ऑप्शंस ये लिख करके आ रहे हैं, योर कस्टम यूआरएल, एक तो ये लिंक आ रहा है तो मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, और नीचे है अवर कस्टम यूआरएल सिस्टम हैज़ चेंज, लर्न मोर। तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर आप लोगों को जो है मेरा एक्चुअली ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप लोगों का यहाँ पर लिखा होगा इस जगह पर जहाँ मेरे चैनल का नाम है, यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा होगा क्लिक हेयर। ठीक है, योर कस्टमर, गेट योर कस्टमर यू आर एल क्लिक हेयर, तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा। मैं आपको बता दूंगा कैसा पेज खुलेगा। तो लर्न मोर पे मैं आ जाता हूँ, अभी इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, और इधर नीचे आपको आना है। ठीक है, तो इस पेज पर ये देखिए गेट अ कस्टम यू आर एल, कस्टम चैनल यू आर एल, और इस पेज पर आपको सबसे नीचे आना होगा और यहाँ लिखा हुआ है रिमूव कस्टम यू आर एल एंड क्लेम अ न्यू वन, तो इसको क्लिक कर देते हैं हम। अब इसको क्लिक करने के बाद यू कैन रिमूव अ कस्टम यू आर एल फॉर योर चैनल अप टू 3 times पर ईयर। ये देखिए बोल रहा है कि साल में आप 3 ही इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको तो खैर यहाँ कुछ नहीं करना, मैं एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं अबाउट मी पर चेंज इसको क्लिक कर देता हूँ और ये सीधे गूगल का पेज मेरे सामने खोल देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कस्टम यू आर एल यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, तो इसे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे एडिट करना होगा। एडिट करने के बाद दोस्तों आप इसको जो है यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर से अपने जो है YouTube पर जाना है और इसको रिफ़्रेश करना होगा आपको पेज को। तो ये देखिए मैंने रिफ़्रेश कर दिया पेज को, अब आप देख सकते हो कि आपके सामने सेम यही सिचुएशन मिलेगी आपको, वो जो पेज मिलेगा यहाँ एडवांस। फिर से मैं आपको जो हमारे नए भाई हैं उनको फिर से बता देता हूँ, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, बिल्कुल बाहर आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा दोस्तों शोर हो रहा होगा, फ़ैन का आवाज़ आपको मिल रहा होगा, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा फ़ैन मैं धीमा कर लेता हूँ, शायद आपको आवाज़ मेरी, मैं इसमें कोई म्यूज़िक नहीं डालूँगा। और चलिए तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ क्लिक करना है आपको। ठीक है, सिंपल क्लिक करने के बाद आपको कहीं कोई क्रिएटर स्टूडियो में नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना है, सेटिंग पर सीधा आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद आपका इस तरीके से ये डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, आपका डायरेक्ट ये चैनल आ जाएगा। अगर नहीं आता है दोस्तों तो आप क्रिएटर स्टूडियो पर जा करके, ठीक है मैं बता देता हूँ वो भी उन लोगों के लिए जिनको दिक्कत होगी, तो ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा गौर करिएगा मैं क्या दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ये बीटा वर्जन खुल करके आएगा, है ना, तो उसके बाद नीचे से आपको ये क्लासिक उठा लेना है और कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे तो आपको जो है क्लासिक वर्जन खुल करके सामने आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, अब इसमें चैनल पर आप वही अपने उस पर मोनेटाइजेशन वाले फीचर्स पर जहाँ पर वो आता है, ठीक है, चैनल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये चैनल का डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी नीचे आना है आपको,
अब देखिए, अब आपका कस्टम यूआरएल पर अभी तक मेरा यहाँ पर क्या लिख करके आ रहा था, मेरे चैनल का नाम लिख करके आ रहा था जो मैंने ऑलरेडी लगा रखा था। अब वही लिख करके आ रहा है जो आप लोगों के सामने भी लिख करके आएगा। तो मैं भी इस समय नई अवस्था में हूँ, ठीक है। अभी मैंने कोई कस्टमर यूआरएल नहीं लिया है, ये मान के चलिए उसी अवस्था में आ गया ये। तो अब लिख करके आ रहा है क्लेम इट हेयर, तो यहाँ पर इसको क्लेम करते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर इसको क्लेम कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये पेज आपको मिल रहा है सेम वही। अभी यहाँ पर भी मेरा पहले वो आ रहा था चैनल का नाम, अब नहीं आ रहा है। तो फिर से यहाँ पर क्या कह रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर अ कस्टम यू आर क्लेम इट हेयर। तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, मेरा चैनल का इसने ऑलरेडी नाम ये उठा लिया है, ठीक है। आपके चैनल का भी ये उठा लेगा, ठीक है, एज अ डिफ़ॉल्ट। और आप अगर आप चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो, तो उसका ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। वैसे आप अपना ही रखोगे ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मेरे चैनल का नाम इसने उठा रखा है, मैं इसको आई हैव रीड एंड एग्री करके चेंज यूआरएल पर ओके करता हूँ, कंफर्म चॉइस करता हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से आपका पेज आ जाएगा और बोलेगा आपसे दिस चैनल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इससे घबराइएगा नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस पेज को आप रिफ्रेश कर दीजिएगा यहाँ से। तो मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर ये क्या दे रहा है। ऊपर आप देख सकते हो कि इसका कस्टम यूआरएल चेंज हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे चैनल का नाम यहाँ पर आ गया, youtube.com/c/tech4net, ठीक है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा ट्यूटोरियल, और मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए। बहुत से लोगों की कमेंट मैंने देखी, और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो कस्टम यूआरएल से संबंधित, या इसमें इस वीडियो से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझे बताइएगा, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत हद तक जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक आप आशा करता हूँ मैं कि जो है आपको जो है मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा, ऐसी कामना भी है मेरी। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।